हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस शायरी सेशन में। और बहुत समय से लगातार लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि शायरी सेशन काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है, होना चाहिए, तो इधर थोड़ा समय के पश्चात समय मिला है और आज प्रस्तुत करते हैं बिना किन्हीं इधर उधर की बातों के। पर एक निवेदन आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग भी सुकून के साथ सुनिएगा, बिल्कुल फुर्सत के पलों में, जल्दबाजी में ना सुने, वरना जो शायरी का जो रस होता है वो आनंद नहीं देती है। अगर उसका सही आनंद चाहिए तो फुर्सत से सुनिए इस शायरी सेशन को। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आक्रोशित भाव का कवि हूँ और जितनी भी मेरी लाइन्स हैं, जो भी पंक्तियाँ इसके पहले मैंने लिखी, वो सब कहीं ना कहीं विशेष तौर पर आक्रोश के भावों को व्यक्त करती हैं मोहब्बत में। और मोहब्बत पर भी लिखा है मैंने, पर आक्रोशित भाव एक ऐसा भाव है जो मुझे बहुत पसंद है अपना विशेष तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर। तो आज फिर से मैं एक ऐसे ही खूबसूरत सी शायरी सेशन को लेकर के आया हूँ जो कि विशेष तौर पर आक्रोशित भावों से भरा हुआ है। तो आइए सुनते हैं और शुरुआत करें हम अपनी खुद की लाइनों से। उससे पहले जरा मैं चाहूँगा कि कुछ जो मशहूर शायरियाँ हैं, दो चार पांच, मैं उनको सुनाऊँ आपको सबसे पहले, ताकि एक माहौल बने खूबसूरत सा, और उसके पश्चात हम आपको आलोक सिंह बंजारा की खुद की लिखी हुई लाइनें प्रस्तुत करना शुरू करेंगे। तो कुछ ऐसी शायरियाँ जो कि बहुत फेमस रही हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर, आइए जरा उन दो चार पाँच अच्छी लाइन्स को सुनाते हैं, उन दो चार पाँच अच्छे शेर को आपके सामने व्यक्त करते हैं। आप सभी की खिदमत चाहिए, सुनिएगा कि इतनी रोशनी क्यों है मोहल्ले में, इतनी रोशनी क्यों है मोहल्ले में, वो नजर आई है क्या, इतनी रोशनी क्यों है मोहल्ले में, वो नजर आई है क्या, और तुम इतना खुश क्यों हो रही हो, मेरे मरने की खबर आई है क्या। और अगला शेर प्रस्तुत है आपके सामने कि धोखा ना खा जाना उसकी मासूमियत से यारों, धोखा ना खा जाना उसकी मासूमियत से यारों, वो दिल लगाकर कलेजा निकाल लेती है, धोखा ना खा जाना उसकी मासूमियत से यारों, वो दिल लगाकर कलेजा निकाल लेती है, इतनी मीठी देती है आवाज कि वो अपना सारा काम निकाल लेती है। और अगला शेर है कि तुझे भुलाने का अब बस एक ही चारा बाकी है, तुझे भुलाने का अब बस एक ही चारा बाकी है, सब आजमा कर देख लिया, बस अब नशे का सहारा बाकी है। और अगला शेर नजर करता हूं कि अरे क्या ढूंढ रहे हो मेरे अंदर, मेरे जेहन में सिर्फ मंजिल का जुकाम मिलेगा, अरे तुम क्या ढूंढ रहे हो मेरे अंदर, मेरे जेहन में सिर्फ मंजिल का जुकाम मिलेगा, और मेरे बेटे अगर इश्क करनी है तो सच्चा कर, और मेरे बेटे अगर इश्क करना है तो सच्चा कर, या तो मोहब्बत मिलेगी या फिर मुकाम मिलेगा। बहुत शुक्रिया। और अगला शेर है कि खबर सबको थी मेरे कच्चे मकान की, खबर सबको थी मेरे कच्चे मकान की, फिर भी लोगों ने दुआओं में बरसात भी मांगी। शुक्रिया। और अगला शेर, एक आखिरी शेर पढ़ते हैं कि ऐ जिंदगी तुझसे खफा हो जाऊं क्या, ऐ जिंदगी तुझसे खफा हो जाऊं क्या, और मैं भी क्या उसकी तरह बेवफा हो जाऊं क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब बढ़ते हैं अपने आलोक सिंह बंजारा की लिखी हुई लाइंस के ऊपर और चलते हैं अपने खुद की लिखी हुई पंक्तियों में। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी उस मशहूर लाइन से जो बहुत लोगों के दिलों को जिसने छुआ, बहुत प्रशंसा मिली जिस लाइन को, उस लाइन से, उस पुरानी लाइन से मैं शुरुआत करता हूँ जो मेरी खुद की लिखी हुई हैं, और यहाँ से जो भी पंक्तियाँ गाई जाएंगी, कही जाएंगी, सब मेरी लिखी हुई होंगी। तो उस पंक्ति से शुरुआत करते हैं कि उसके खून में है छल कपट इतना कि उसके जिस्म को कोई जहर नहीं लगता, उसके खून में है छल कपट इतना कि उसके जिस्म को कोई जहर नहीं लगता, और उठे हैं हाथ कई बद्दुआओं में, एक नहीं कई उठे हैं हाथ कई बद्दुआओं में, पर खुदा का ना जाने क्यों उसे कहर नहीं लगता, और ये मोहब्बत ये वादे ये यादें ये कस्में, ये मोहब्बत ये कस्में ये वादे ये यादें, सब फिजूलियत हैं वक्त की आलो, यहाँ नीलाम है मोहब्बत सरेआम चौराहों पर, सच्चे आशिकों का मुझे ये शहर नहीं लगता। बहुत शुक्रिया। और आइए अब एक नई लाइंस की तरफ ले चलते हैं, यहाँ से जो भी लाइंस होगी सब नई हैं और आप सबका
खूबसूरत सा ध्यान इस पर आकृष्ट होना चाहिए। और आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत प्यार से सुनते हैं आप सभी लोग। और निवेदन की पंक्तियाँ कैसी लगी, ये सारी सेशन कैसा लगा, आप लोग अंत में मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर मुझ तक अपने संदेश पहुँचाएँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी लिखी हुई सारी नई पंक्तियों को। और एक सिचुएशन आप इसको लेकर के चलिएगा कि जैसे जब दो प्रेमी जो बहुत अच्छे से प्यार कर रहे होते हैं और जब उनमें अलगाव हो जाता है किसी एक के धोखे की वजह से, एक किसी एक ने जिसने इस सफ़र ए वफा में जिसने जालसाजी की, धोखेबाजी की, और जिसकी वजह से दूसरा जो प्रेमी है जो सच्चा था मोहब्बत में, जो एक सच्चा आशिक था, उसके दिल पर अब किस तरीके का आक्रोश छाया हुआ है और किस तरीके से उसका दिल कचोट रहा है, ऐसी ही भावों की अभिव्यक्ति इन लाइंस में होने वाली है। आप सभी लोग इसका नजराना लीजिए, मैं पढ़ता हूँ। पहली पंक्ति मैं पढ़ रहा हूँ जो आज की बिल्कुल नई है। उससे जो बिछड़ा हूँ तो दर्द क्या दवा क्या, उससे जो अब बिछड़ा हूँ तो दर्द क्या दवा क्या, तकिए पर कम से कम सुकून तो है। और मैं नहीं हूँ स्वार्थी जालसाज और बिकाऊ अपनी मोहब्बत, मैं नहीं हूँ स्वार्थी जालसाज बिकाऊ अपनी मोहब्बत में, मुझे अपने दिल की मशरूफियत का कम से कम जुनून तो है। बहुत शुक्रिया। और आइए अब अगली पंक्ति उठाते हैं कि हमने सुना है मानिंदों से कि वो हमें बेदर्द बताते हैं, हमने सुना है मानिंदों से कि वो हमें बेदर्द बताते हैं, चलो आलोक अच्छा है, इसी बहाने कम से कम हम उन्हें ख्याल तो आते हैं। और जो करते हैं परपंच मेरे नाम पर, और जो करते हैं परपंच हमारे नाम पर, अपने सर को रकीब के कंधों पर रखकर। रकीब एक उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है थर्ड पर्सन, कोई कॉम्पिटिटर, कोई प्रतिस्पर्धी जो आप दोनों के रिलेशन के बीच में आया या जिसकी वजह से डिस्टर्बेंसेस सारी हुई, तो इसका ख्याल रखिएगा रकीब का। तो मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ कि हमने सुना है मानिंदों से कि वो हमें बेदर्द बताते हैं, चलो आलोक अच्छा है, कम से कम इसी बहाने हम उन्हें ख्याल तो आते हैं। और जो करते हैं परपंच हमारे नाम पर, अपने सर को रकीब के कंधों पर रखकर, क्या उस बदचलन को ये गुमान है कि लोग कर लेंगे भरोसा जो वो अपनी बदजुबान से जताते हैं। बहुत शुक्रिया। और अगली पंक्ति पर आते हैं कि टूटा जो दिल जार जार होके वहीं से मैं सितारा बन गया, टूटा जो दिल जार जार होके वहीं से मैं सितारा बन गया। और अब मैं नहीं हूं किसी ताल के भंवर में, मैं खूबसूरत फूलों वाला अब किनारा बन गया। और ये तो अपनी अपनी लकीर है साहब, कभी कभी कुछ चीजें किस्मत की बात होती हैं, क्या ही कहा जाए। तो इस भाव को जोड़िएगा कि ये तो अपनी अपनी लकीर है साहब, कि निकले थे मोहब्बत के सफर में और मोहब्बत का ही मैं मारा बन गया। और जब से उठाई है कलम मैंने अपने जज्बातों की, दौरे हिज्र में कईयों का मैं सहारा बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अगली पंक्ति नजर करते हैं आपको। एक शब्द मेरी कई पंक्तियों में आएंगे, मानिंद। मानिंद का मतलब होता है करीबी, जो उसके करीबी रहे होंगे उसका मतलब होता है, उनको कहा जाता है मानिंद, जो किसी के करीबी रहे हों। तो पंक्तियां सुनिएगा कि सुना है अपनी बातों में वो हमारी मोहब्बत के राज छुपाती है, सुना है अपनी बातों में वो हमारी मोहब्बत के राज छुपाती है, और जिन बदचलन सीढ़ियों से गुजरी है वो, वहां कोने में पड़ी बिस्तर की सिलवटों को देख वो बहुत मुस्कुराती है। और चर्चा हमारे नाम का यूं बेअसर हो जाता है जब झूठ की लकीरें उसके मस्तक पर आती हैं, चर्चा हमारे नाम का बेअसर हो जाता है जब झूठ की लकीरें उसके मस्तक पर आती हैं, और कोई रोक नहीं सकता उसे बाजारे जिस्म में फना होने से, मैंने सुना है मानिंदों से ये हुनर उसको सरेआम आती है। बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सभी लोग। और इसी क्रम में मैं अगली पंक्ति नजर करता हूँ, गौर फरमाइएगा कि वक्त आने पर मेरी मोहब्बत की गवाही ये सूरज चांद और समय भी देगा,
वक्त आने पर मेरी मोहब्बत की गवाही, ये सूरज चांद और समय भी देगा। जश्न ए वफा के सफर में एहसासों की हत्या करने वाले, ये दिखावे की मोहब्बत एक दिन तेरी भी जान लेगा। और तेरी आंखों से आंसू सूख जाएंगे, इतना दर्द तेरे जीने में होगा। तेरी आंखों के आंसू भी सूख जाएंगे, इतना दर्द तेरे जीने में होगा। और जो बीज बोए हैं तूने जहर के, उसके फल भी तुझे खाने होंगे। वहां ऊपर से मयस्सर न्याय जरूर होगा। बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ते हैं अब अगली पंक्ति की तरफ। जो नजर करता हूं मैं आप सभी को कि ये एक भाव के ऊपर है कि किस तरीके की उलझने से इंसान मतलब एक उकता जाता है उस स्तर पर, तो फिर उसके भाव क्या होते हैं कि ये मोहब्बत की उलझन मत पाला करो यारों, यूं नाजुक दिल पर साजिशों का बोझ मत डाला करो यारों। ये मोहब्बत की उलझन मत पाला करो यारों, यूं नाजुक दिल पर साजिशों का बोझ मत डाला करो यारों। और आलोक मैं सच कहता हूँ, और आलोक मैं सच कहता हूँ तुमसे, जिंदगी किसी भीख की मियाद नहीं, ये अपना जमीर सम्मान और आत्मविश्वास, यूं सस्ते में किसी के नाम नीलाम मत किया करो यारों। बहुत शुक्रिया। और आइए अब अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। एक बार जो आगाह करता है, एक आवाहन कर रहा है कि जिंदगी में जब आप कभी आगे बढ़ो तो पुरानी गलतियों को ना दोहराएं। ऐसे ही एक आवाहन पहले भी मैंने इस शायरी में किया, और एक और शायरी पढ़ता हूँ इसी क्रम में। नजर है आप सभी को कि ये स्याह सी रातें बीत चुकी हैं, कल उगे सूरज तो आंखों में रोशनी भर लेना। ये स्याह सी रातें बीत चुकी हैं, कल जो उगे सूरज तो आंखों में रोशनी भर लेना। ये पतझड़ का महीना भी बीत जाएगा, अब की जो आए बसंत तो अपनी जिंदगी में कुछ तुम भी रंग भर लेना। पर जरा संभल कर थामना जो अब की गुलाब को थामना, पर जरा संभल कर थामना जो अब की तुम गुलाब थामना। इसकी महक में उन्माद बहुत है, पर जरा संभल कर थामना जो अब की गुलाब थामना, इसकी महक में उन्माद बहुत है। और जो भटके फिर मुसलसल मोहब्बत की राह से, तो कांटों से छिलने के आसार बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी शायरी आज के इस क्रम में मैं नजर करता हूँ आप सभी को। ये एक यूनिवर्सल शायरी है, मतलब इसको एक कॉमन वे में समझिएगा। और ये चाय लवर्स के लिए भी है, खास करके फयाज भाई ने कहा था कि कोई ऐसी एक पर्टिकुलर लाइन जिसमें चाय को भी शामिल किया जाए। तो एक आखिरी शायरी के साथ मैं चाय लवर्स को जो डेडिकेट कर रहा हूँ इस शायरी को। और आइए सुनते हैं इस शायरी को। आओ बैठो मेरे पहलू में कुछ वक्त गुजारो, मैं हर बात तुम्हें बता दूंगा। आओ बैठो मेरे पहलू में कुछ वक्त गुजारो, मैं हर बात तुम्हें बता दूंगा। मेरे होठों पर जो तुम हंसी देखते हो, ये हंसी मैं तुम्हारे होठों पर भी ला दूंगा। और जो राज छुपाते हो तुम अपनी मंद सी मुस्कान से, और जो राज छुपाते हो तुम अपनी मंद सी मुस्कान से, मैं उसके सारे सार बता दूंगा। और आलोक जो लगी तलब फिर पीने की, और आलोक जो लगी तलब फिर पीने की, रखूंगा दो कुल्हड़ और उसमें चाय उतार दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के इस शायरी सेशन से जुड़ने के लिए। बहुत प्यारा सुना आप सभी लोगों ने, और ये प्यार बना रहे। और जल्द ही किसी और शायरी सेशन के साथ मुलाकात करेंगे बहुत जल्द, और कुछ अलग टॉपिक्स के साथ। तो तब तक आप सभी लोग अपना प्यार बरसाइए, शेयर करिए, काफ़ी मेहनत लगती है। और मैं कोशिश करता हूँ हर बार अपनी लफ्ज़ों अल्फाजों और अपनी कलम के जरिए आपकी दिल की गहराई तक पहुँचने का, और जज्बातों और ज़िंदगी के कुछ नायाब अनुभवों से जो आप से जुड़ने का और आपको जोड़ने का भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं हर दफ़ा आप तक पहुँचाऊँगा। और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।